Hello students, so today we are going to learn a new poem, Aunt Jennifer's Tigers. Now look at the title, it says Aunt Jennifer's Tigers, means we are going to read about some tigers. And whose tigers are these? Aunt Jennifer's. We'll figure out what happens in the poem as we read the poem. But before going to that, see that poet is Adrienne Rich. So she is an American poet, essayist and feminist. Now Adrienne Rich is a female, but here I'm using the word poet, not poetess. Why? So this is used as common gender. Why common gender? Gender. Now why common gender is used here? The reason for using a common gender is that Adrienne Rich is a feminist. Now we are in a world today where there is the equality between a male and a female. Earlier what happened? There were dominations by males over the females. Now Adrienne Rich is a feminist. Who is a feminist? Feminist is a person who advocates social, political, legal and economic rights for women. Remember, equal to those of men. मतलब क्या है कि इक्वालिटी का ऊपर में ये काम करता है फेमिनिस्ट. क्या काम करता है? वो आवाज उठाता है, एडवोकेट्स. क्या आवाज उठाता है? एक औरत को, एक फीमेल को क्या होना चाहिए? इक्वली क्या मिलना चाहिए? राइट्स मिलना चाहिए. क्या का? सोशल राइट्स मिलना चाहिए, पॉलिटिकल राइट्स मिलना चाहिए, लीगल राइट्स मिलना चाहिए एंड इकोनॉमिक राइट्स मिलना चाहिए. और आजकल आप लोग अगर न्यूज देखेगा तो पता चलेगा हर जगह इस इक्वालिटी का बात चलता है. लेकिन एक सवाल है आप लोग के लिए, क्या हम लोग सही में ये इक्वल राइट्स देता ही क्या? सही में हम लोग एक इक्वल ट्रीटमेंट देता ही क्या एक फीमेल को एक मेल के साथ? तो ऐसा बहुत सारा अभी क्या हो गया, लीगल ऑप्शंस भी है, कानून भी बन गया है कि एक औरत का या एक फीमेल का जो भी है वो क्या होना चाहिए, एक मेल के साथ बराबर. और फीमेल्स को बहुत सारा राइट्स भी मिला हुआ है, बहुत सारा जगह पे रिजर्वेशन मिलता है फीमेल के लिए. इवन अगर आप देखिएगा सिटीज में, बस में फीमेल के लिए सीट तक रिजर्व होता है. तो ये सब चीज होता है. लेकिन सच में हम लोग ये इक्वालिटी को फॉलो करता है क्या, ये है मेरा सवाल. कभी कभी आप लोग देखो कि एक औरत ही एक औरत का इज्जत नहीं करता है. तो सच में ये जो आइडिया है, ये फेमिनिज्म वाला आइडिया सच में फॉलो हो रहा है क्या? तो आप लोग सोसाइटी में देखो और फिगर आउट करो इस सवाल का जवाब को ढूंढने के लिए. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द पॉइंट. लुक, ये पॉइंट क्या चीज का बारे में बात करने वाला था? पॉइंट लुक्स इनटू द एक्सपीरियंसेस ऑफ अ मैरिड लाइफ ऑफ अ वुमन. एक औरत जब उसका शादी हो जाता है, उसका मैरिज हो जाता है, उस मैरिड लाइफ में उसका क्या एक्सपीरियंसेस है, उसको पॉइंट ने इस पॉइंट का थ्रू एक्सप्लोर करने का कोशिश किया गया है. और दूसरा आइडिया निकल के आता है, देखो द पॉइंट एक्सप्लोर्स द इनर फीलिंग्स. एक शादीशुदा औरत अंदर से क्या सोचता है उसका बारे में भी पॉइंट ने पता करने का कोशिश किया इस पॉइंट का थ्रू. हु इज लिविंग अंडर द डोमिनेंस ऑफ हर हस्बैंड. सो हियर हस्बैंड रिप्रेजेंट्स द मेल सोसाइटी और the male counterparts of the females. Now let's see the poem. You open your books and let's read the book. Aunt Jennifer's Tigers prance across the screen. Aunt Jennifer's Tigers.
Who is Aunt Jennifer here? Aunt Jennifer represents who? Married woman. Aunt Jennifer represents married woman of the world. सारा दुनिया में सारा औरत लोग का एक ही कहानी है, जो लोग का मैरिज हो गया है. तो आंट जेनिफर ऐसा सारा औरत को रिप्रेजेंट करता है जो लोग का शादी हो गया और इस मैरिज का वजह से उन लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है. नाउ सी द फर्स्ट स्टैंजा. आंट जेनिफर्स टाइगर प्रांस अक्रॉस स्क्रीन. तो आंट जेनिफर ने क्या बनाया? एक पीस ऑफ क्लॉथ में एम्ब्रॉयडरी बनाया. यू नो व्हाट इज एम्ब्रॉयडरी? जो पिलो या हैंडकर्चीफ वगैरह में नीडल से क्या बनाता है, सुई से एक डिजाइन बनाता है, उसको बोलता है एम्ब्रॉयडरी, जो हिंदी में सिलाई कढ़ाई का नाम से जाना जाता है. तो आंट जेनिफर ने इसी तरीका से सिलाई कढ़ाई का थ्रू एम्ब्रॉयडरी का थ्रू क्या बनाया, टाइगर्स का पिक्चर बनाया. और वो पिक्चर में क्या लग रहा है, टाइगर्स, ऐसा लग रहा है कि टाइगर्स चल रहा हो. प्रांस, प्रांस मीन्स वॉक और मूव, मतलब आप इमेजिन करना है एक प्लीट पीस ऑफ क्लॉथ, वो हो सकता है या टेबल का क्लॉथ हो सकता है या हैंडकर्चीफ हो सकता है या पिलो कवर या कुछ भी, या एक बेडशीट हो, कुछ इस तरीका का एक पीस ऑफ क्लॉथ में क्या बना रहा है, टाइगर्स का पिक्चर बना रहा है. और उसमें वो टाइगर्स क्या कर रहा है, चलते हुए नजर आ रहा है. आप लोग देखा होगा टाइगर जंगल में कैसे चलता है. नाउ सी द नेक्स्ट लाइन. ब्राइट टॉप एज डेनिजंस ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन. दीज टाइगर्स हाउ दे अपीयर, दे अपीयर ब्राइट. व्हाई द वर्ड ब्राइट इज यूज्ड हियर? ब्राइट वर्ड को क्यों यूज किया? बिकॉज टाइगर इज व्हाट, फियरलेस. टाइगर को कोई डर नहीं है, टाइगर को कोई किसी से उसको डरने का जरूरत नहीं है. तो इसलिए वो एक प्राउड ही चलता है, वो बिना किसी से डर के. तो टाइगर्स को क्या बोला, ब्राइट टॉपेज. टॉपेज मीन्स जो रिंग वगैरह में येलो कलर का स्टोन लगाता है, दैट इज अ टॉपेज. जैसे टॉपेज जो एक पत्थर है, एक स्टोन है जो शाइन करता है, उसी तरीका से टाइगर का भी क्या है, वो शाइन तो एग्जैक्टली उसका लाइट एमिट नहीं होता है, फिर भी टाइगर का जैसे उसका हाव भाव जैसे टाइगर जैसे चलता है, ऐसा लगता है कि टाइगर से एक कुछ इस तरीका का फीलिंग आ रहा है. क्योंकि अगर आप आपका जंगल में अगर आप गया और आप जब टाइगर को देखा तो आपको क्या लगेगा, आपको एक डर वाला फीलिंग आएगा, टाइगर से आपको छुपना है वो फीलिंग आएगा. तो उस तरीका से टाइगर क्या है, किसी से डरता नहीं है, वो ब्राइट ही चलता है. डेनिजेंस, टाइगर्स को क्या बोला है, डेनिजेंस. डेनिजेंस मींस सिटीजंस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन. वर्ल्ड ऑफ ग्रीन इज द फॉरेस्ट. नाउ टॉपेज, टॉपेज को क्या सेंस में यूज किया गया, टॉपेज को एक मेटाफोर का सेंस में यूज किया फॉर अ येलो कलर स्टोन. राइट, टॉपेज, टॉपेज को यूज किया फॉर येलो कलर. और टॉपेज एक्चुअली क्या है, दैट इज अ स्टोन जो रिंग में यूज करता है, एक स्टोन जो यहां पे यूज करता है, ऐसा रिंग पे जो यूज करता है, दिस इज द स्टोन. नाउ द नेक्स्ट लाइन. दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री. नाउ इमेजिन अ फॉरेस्ट वेयर टाइगर्स लीव. टाइगर रहता है फॉरेस्ट में, इमेजिन करो उसी फॉरेस्ट में कौन गया, कुछ हंटर्स गया. अब हंटर्स का हाथ में क्या है, गन या कोई वेपन होता है हंटर्स का हाथ में. अब देखो इमेजिन करो हंटर्स का हाथ पे गन है, तो दोज आर द मैन बीनीथ द ट्री. पेड़ का नीचे वो क्या है, छुपा हुआ है, बैठा हुआ है. क्यों? क्योंकि दूर पे क्या है, टाइगर. तो टाइगर को देख के जिसका पास वेपन है वो भी डर के बैठा है. तो सोच के देखो टाइगर कितना पावरफुल है,
So there is the aura or the power of a tiger. The pace in sleek chivalric certainty. The pace means they walk in sleek. What is sleek? Elegantly. You must have seen a cat walking. Even up fashion shows mein kya bolta hai? Cat walk bolta hai. Why cat walk? Because cat ka chalne wala dekho ek straight line pe chalta hai. तो उसको देख के क्या एक फीलिंग आता है, एक फैशनेबल, एक एलिगेंट फीलिंग आता है. तो इसीलिए स्लीक वर्ड यूज किया गया. द पेस इन स्लीक सिवेलरिक. व्हाट इज सिवेलरिक? सिवेलरिक मींस हीरोइक, हीरो जैसा, मतलब किसी से डर नहीं, प्राउडली. सर्टेनिटी, सर्टेनिटी देखो, एन एयर ऑफ कॉन्फिडेंस, मतलब कुछ उसको डर नहीं है, वो कॉन्फिडेंटली चल रहा है. तो आंट जेनिफर का ये टाइगर का पिक्चर बनाने का पीछे क्या रीजन है? पॉइंट क्या क्या था? इनर फीलिंग ऑफ अ वुमन को एक्सप्लोर किया यहां पे. तो आंट जेनिफर का इनर फीलिंग क्या है? व्हाट शी इज फीलिंग? शी वांटेड टू हैव अ लाइफ लाइक अ टाइगर. एक टाइगर का जैसा जिंदगी जीना चाहता था. इसका मतलब ये नहीं कि जानवर को झपट्टा मारेगा और उसको चीर के फाके खा जाएगा, ऐसे नहीं. जैसे टाइगर बिना डर के जिंदगी जीता है, उसी तरीका से आंट जेनिफर को भी एक बिना डर का, एक बिना डोमिनेंस का, किसी का उसका ऊपर कब्जा ना हो, किसी का उसका ऊपर पावर ना हो, ऐसा जिंदगी जीना चाहता था. इंडिपेंडेंट, एक कॉन्फिडेंट जिंदगी जीना चाहता था. लेकिन ऐसा जिंदगी उसको मिला नहीं मिला. क्यों? क्योंकि उसको अंकल के साथ उसका मैरिज हो गया और ये मैरिज लाइफ का बर्डन उसको क्या कर दिया? दबा के रख दिया. तो दैट इज द इनर फीलिंग ऑफ आंट जेनिफर. नाउ कम टू द सेकंड स्टेंजा. बिफोर गोइंग टू द सेकंड स्टेंजा, यू सी द थर्ड लाइन, दे डू नॉट फियर द वर्ड डे. फिर फोर्थ लाइन अगेन स्टार्टिंग विद डे. दे पेस इन स्लीक. तो दे दे, दो बार दे दे आया. तो रिपीटेड वर्ड यूज को क्या बोलता है? एनाफोरा. यू कैन सी यूज ऑफ सेम वर्ड इन टू कंसेक्यूटिव लाइंस. कंसेक्यूटिव मींस कंटिन्यूअस, दो लाइन पे सेम वर्ड यूज हो रहा है. यहां पे देखो दे दे, दैट इज व्हाई दिस इज द यूज ऑफ एनाफोरा, ए पोएटिक डिवाइस. आपको एग्जाम में ये स्टेंजा दे दिया, उसके बाद आपको What is the poetic device used? बोलने से आप यहाँ पे दो चीज लिख सकता है. एक हो गया anaphora and see the endings of the lines. First stanza का lines को देखो. Last word is screen. फिर second line का last word is green. Screen, green. क्या तरह rhyme कर रहा है. And the third line is tree. And the fourth line is certainty. Means almost e वाला sound में certainty. E वाला साउंड मेंटिंग हो रहा है. सो देयरफॉर द राइम स्कीम इज ए ए. फर्स्ट वाला ग्रीन, स्क्रीन, ट्री, सर्टेनिटी. तो यहां पे एन साउंड में एंड हो रहा है और यहां पे ई साउंड में. सो दिस इज द राइम स्कीम ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा. एंड सेम राइम स्कीम इज फॉलो थ्रू द होल पॉइंट. नाउ सेकेंड स्टेंजा में आ जाओ. Look at the second stanza. Aunt Jennifer's fingers fluttering. Aunt Jennifer का हाथ जो, fingers जो, क्या हो रहा है? Fluttering, shake. वो क्या बना रहा है? एक embroidery बना रहा है. लेकिन उसका हाथ जो क्या हो रहा है? Shake. क्यों shake हो रहा है? क्यों quiver? क्यों कांप रहा है? ऐसा क्यों? ऐसा idea क्यों दिया poem में? ऐसा idea इसीलिए दिया है ये बताने के लिए कि Aunt Jennifer को डर है किसका? अंकल का. मतलब इसमें क्या बताने का कोशिश कर रहा है पॉइंट? जो डोमिनेंस ऑफ द अंकल. फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल. मींस आंट इज यूजिंग अ आइवरी नीडल. व्हाट इज आइवरी? एलिफेंट का वो जो दिखाने का दांत, लंबा वाला, दिखा हुआ आप लोग बाहर वाला, जिसको खाने पे यूज नहीं करते हम लोग. तो दैट इज द आइवरी. उससे क्या बना हुआ? एक नीडल. और उसी नीडल से आंट जेनिफर क्या बना रहा है? अपना एम्ब्रॉयडरी बना रहा है क्लॉथ पे. तो ये बनाते हुए उसका हाथ पे क्या हो रहा है? क्या नजर आ रहा है? शेक नजर आ रहा है, कांपने का एक सिचुएशन नजर आ रहा है.
और ऐसा लग रहा है कि वो ये नीडल को भी खींच नहीं सकता, उसको ये नीडल खींचने के लिए भी उसका कमजोर हो रहा है। ऐसा क्यों बता रहा है? दिस इज टू शो द डोमिनेंस, द मेल डोमिनेंस ओवर ए फीमेल। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, नाउ व्हाट इज वेडिंग बैंड? वेडिंग बैंड इज द रिंग, याद रखो, वेडिंग बैंड इज द रिंग। तो ये रिंग, वेडिंग बैंड, ये क्या को रिप्रेजेंट करता है? दिस रिप्रेजेंट्स द मैरिज। जब शादी होता है तो क्या पहना था? रिंग। तो आंट जेनिफर का लाइफ क्या हो गया? डोमिनेटेड हो गया किससे? अंकल से, हर हस्बैंड, और इसका वजह से उसको एक डोमिनेशन वाला जिंदगी में जीना पड़ता है। और आंट जेनिफर अपना फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, आंट जेनिफर अपना जिंदगी को खुल के जी नहीं सकता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल, आप लोग इमेजिन करो आपका मदर का बारे में। आप कहीं भी घूम सकता है, आप कहीं भी आ सकता है, कहीं भी जा सकता है, लेकिन आपका मदर का बारे में इमेजिन करो, वो क्या करना पड़ता है? आपका खाने पीने का ध्यान रखता है, आपका पापा का ध्यान रखता है, लेकिन कभी आपका माँ ने बोला क्या, आज हम डिस्को पे जाएगा घूमने के लिए? आपका माँ एकदम टाइट जींस लगा के या शॉर्ट्स स्कर्ट्स लगा के वो कभी घूमने गए बाहर? उसका भी तो कुछ इस तरीके का फीलिंग होता होगा, घूमने जाए, अपना दोस्तों के साथ मूवी देखने जाए। वैसे आजकल कोरोना वायरस के लिए तो जा भी नहीं सकता, बट देन फिर भी यू इमेजिन, आपका माँ का भी बहुत सारा ख्वाहिश होगा, बहुत सारा ड्रीम्स होगा जो वो पूरा करना चाहता है, बट वो कर पा रहा है? जो लोग कर पा रहे ठीक है, लेकिन मैक्सिमम फीमेल्स लोग अपना जिंदगी में अपने ड्रीम्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे अपना मैरिज के बाद। इट इज व्हाट द पॉइंट इज ट्राइंग टू टेल। और इसका रीजन क्या है? द रीजन इज द मैरिज। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। और ये सारा रुकावट किसका वजह से है? इस वेडिंग बैंड का वजह से, इस रिंग का वजह से। ये रिंग क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैरिज को। ये रिंग क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैरिज। डोमिनेंस। सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड्स, मतलब ये मैरिज क्या कर रहा है? आंट जेनिफर का बहुत सारा ड्रीम्स, बहुत सारा विशेष को क्या कर रहा है? कॉर्टेल कर रहा है, रोक के रखा हुआ है। दैट इज द पॉइंट। नाउ कम टू द लास्ट स्टेंजर। व्हेन आंट इज डेड, जब आंट मर जाएगा, व्हेन आंट इज डेड, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई। व्हाई द वर्ड टेरिफाइड इज यूज हियर? टेरिफाइड वर्ड क्यों यूज किया गया है? टेरिफाइड इसलिए बताया गया है क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस डोमिनेंस, डोमिनेंस बाय द अंकल मींस हर हस्बैंड, स्टिल रिंग्ड विद ऑडियंस शी वाज मास्टर्ड बाय। ऑडियंस इसका मतलब देखो यहां पे, ए लॉन्ग अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस। इमेजिन करो आप एक समुंदर में फंस गया, एक बोट पे जिसपे बोट को चलाने का कोई ओर्स भी नहीं है, कोई चप्पू नहीं है, और आसपास कोई नहीं, कोई लैंड नहीं है, तो उस सिचुएशन पे क्या होगा आपका? इस टाइप का एक सिचुएशन इमेजिन करो जहां पे आपको बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आता है। तो इस टाइप का सिचुएशन से कोई गुजरता है तकलीफ वाला, तो ऐसे तकलीफ वाला सिचुएशन को बोलता है ओडियस। एंड व्हाट इज दिस ओडियस? द मैरिज लाइफ ऑफ द आंट। आंट का जो मैरिज लाइफ है इसी को बोला गया है ओडियस। स्टिल रिंग्ड विद ओडियस शी वाज मास्टर्ड बाय। मास्टर्ड मतलब आंट जेनिफर का लाइफ को किसने कंट्रोल किया? हर मैरिज लाइफ। The tiger in the panel that she made, वो पैनल जो कपड़ा का टुकड़ा जिसपे आंट जेनिफर ने टाइगर्स बनाया, आंट जेनिफर मरने के बाद भी वो टाइगर्स जो क्या होगा,
will go on prancing proud and unafraid. वो टाइगर्स जो क्या होगा चलता रहेगा, मतलब पिक्चर पे, मतलब ये यहाँ पे पॉइंट और एक आइडिया को रिप्रेजेंट करना चाह रहा है कि जेनिफर का विश जो अनफुलफिल रहा, वही सेम अनफुलफिल्ड विश कोई और दूसरा औरत का होगा, फिर उसके बाद कोई और औरत का होगा, तो हर औरत का ये कहानी होगा जिसका शादी हो गया और जिसका हस्बैंड उसको डोमिनेट करता है. तो दिस इज व्हाट हियर एथेलियन रिच इज ट्राइंग टू एक्सप्रेस. और दूसरा एक बात और निकल के आता है, देयर इज आज जेनिफर ने ये जो आर्ट का पीस बनाया, ये पीस हम लोग को क्या रिमाइंड करेगा, आज जेनिफर का अनफुलफिल्ड विश अनफुलफिल्ड ड्रीम जो है वो रिमाइंड करते रहेगा. आज जेनिफर का ड्रीम और विश क्या था कि उसका एक इंडिपेंडेंट जिंदगी जीना था, अनडोमिनेटेड जिंदगी जीना था, उसका भी बहुत सारा कुछ और विशेष था जो कभी फुलफिल नहीं हुआ. सो दिस इज योर पॉइंट. एंड बिफोर एंडिंग यू सी इन द सेकेंड लाइन, सॉरी सेकेंड स्टेंजर, द फर्स्ट लाइन सेकेंड स्टेंजर ऑफ फर्स्ट लाइन आप लोग देखो वहां पे फिंगर्स फ्लटरिंग, फिंगर्स का एफ फ्लटरिंग का एफ, तो यहां पे क्या बता रहा है वो एलिटरेशन, एक पोएटिक डिवाइस. अगर आपको सेकेंड स्टेंजर मिल जाए एग्जाम में एक्सट्रैक्ट में, तो अगर आपको पोएटिक डिवाइस पूछेगा तो आपको ये लिखना है. और थर्ड स्टेंजा में राइम स्कीम ये देगा, सेकेंड स्टेंजा का भी राइम स्कीम वही है. उसके बाद एलिटरेशन यहाँ पे भी यूज हो रहा है थर्ड स्टेंजा में, प्रांसिंग प्राउड. एलिटरेशन क्या था पहले आप बता चुका है, कंसोनेंट साउंड, कंसोनेंट साउंड्स रिपीटिंग, consonant sounds जो repeat होता है, f is a consonant and f is a consonant, so same sound is repeating, so such repetition of consonant sounds are alliterations. Now go through this and if you have any problem you can give comments in the comment section also. So this is your point and thank you very much.